दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं फिरोज, वेलकम टू टेक्निकल सुहेल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये जो मिक्सर ग्राइंडर है दोस्तों, उषा मॉडल है। देखिए उषा कंपनी का है दोस्तों, ग्रिप बहुत अच्छी, मिक्सर की बनावट मॉडल भी काफ़ी अच्छा, कंपनी तो है ही बढ़िया। और ये देखो मतलब कितनी अच्छी बना, यहाँ से पकड़ के पूरा मिक्सर, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों इसका। और ये जो मिक्सर है इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका कपलर कट गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिक्सर ग्राइंडर के कपलर को कैसे चेंज करते हैं। देखिए कितनी बुरी तरीके से इसका कपलर घिस के कट गया है यहाँ से, तो हम इसमें कपलर को चेंज करेंगे। आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मिक्सर ग्राइंडर को कपलर को कैसे ओपन करते हैं, हाउ टू ओपन मिक्सर ग्राइंडर कपलर। तो हम इस कपलर को यहाँ से रिमूव करेंगे और नया कपलर इसके अंदर लगाएंगे, मतलब रिप्लेस करेंगे कपलर को। तो पहले हमें इस कपलर को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए इसमें एक नट है, देखिए कुछ आते हैं थ्रेड वाले कपलर, कुछ आते हैं नट वाले। ये नट वाला कपलर है, आपको नट दिख रहा होगा इसके अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस नट को खोलना पड़ेगा। तो कपलर खोलने का एक पेचकस आता है, ये देखिए ये पेचकस है जिससे हम कपलर को ओपन करते हैं, खोलते हैं। दोस्तों एक बात बताऊँ, अगर ऐसा पेचकस नहीं है, नॉर्मल पेचकस है, तो आपको यहाँ से कटिंग करके उसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो पेच लगा होता है इसी मॉडल का होता है, इसी मॉडल के पेचकस से खुलता है। कपलर का नट खोलने के लिए आपको इस तरीके से कपलर को हाथ से पकड़ना है, जिसे मैं पकड़ रहा हूँ इस तरीके से हाथ से पकड़ना है, फिर इसमें पेचकस को लगाना है। उसके बाद में आपको इसे देखिए सही से समझना, इसे क्लॉकवाइज घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, जिधर घड़ी चलती है उस साइड में घुमाना इस तरीके से। दोस्तों काफ़ी ताकत लगा दी लेकिन खुलने का नाम नहीं ले रहा ये कपलर, बहुत ताकत लगा दी लेकिन नहीं खुल रहा है। अब कैसे खुलेगा, अब हमें इस कपलर को रोकना पड़ेगा किसी चीज़ से, कपलर को दबा के रोकना पड़ेगा। जब हम कपलर को दबा के रोकेंगे उसके बाद में ये खुल जाएगा यहाँ से। तो पहले एक बार और मैं कोशिश करता हूँ, देखिए इस तरीके से आप चाहो तो लगा सकते हो कुछ भी इस तरीके। देखिए कपलिंग को हम जब लगाएंगे तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा और हमारा कपलर रुक जाएगा। देखिए हमने ऐसे लगा दिया इस कपलिंग चाबी को, अब हम खोल के देखते हैं। अभी भी नहीं खुल रहा दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइट है। तो इसके लिए दूसरा जुगाड़ है कि हम इस कपलर को पकड़ लेते हैं, किसी चीज़ से जकड़ लेते हैं, उसके बाद पेचकस से नट को खोलते हैं। देखिए दोस्तों ये जब अब मैंने हाथ से पकड़ के देख लिया, मैंने ये वाली चाबी भी लगाई लेकिन ये कपलर नहीं रुक रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट है। अब हम मिक्सर के बैक साइड को खोलेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ से खोलेंगे, सही से आपको सारा काम करना है। दोस्तों आपको बहुत सही से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा है तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ मिलती रहें। ये देखिए मैं इस मिक्सर को खोल देता हूँ फटाफट। ये है जुगाड़, किसी ने यहाँ पे जुगाड़ करा है, इसके बारे में बताऊँगा। मतलब कागज़ लगा हुआ नहीं होता है, पता नहीं किसी इंजीनियर भाई ने हमारे कागज़ लगाया है, उसे भी देखते हैं। आइए क्या जुगाड़ करा गया है यहाँ पर, भैया इंडिया में तो जुगाड़ ही चलता है, आपको पता है बहुत ज़्यादा लोग जुगाड़ करते हैं, वैसे हम भी बहुत बार कर देते हैं, मैं दूसरों को नहीं कह रहा हूँ। ये देखो भैया कागज़ किस लिए लगा है, ये यहाँ पर मतलब ये देखो ये हिल रहा होगा, तो उन्होंने सोचा होगा ये हिलता क्यों है, यहाँ पर कागज़ लगा दो, इसलिए किसी ने जुगाड़ से कागज़ लगा दिया। वैसे ये मोटर जो हिल रही है इसकी वजह से, वैसे ये हिलती रहती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है दोस्तों। अब हम क्या काम करेंगे, इस नट को लूज़ करेंगे, यहाँ से कपलर को जाम करेंगे। ये तरीका हमने अपनी वीडियो में कई बार आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर से कपलर को किस तरीके से जाम करते हैं। देखिए आपको इस नट को सबसे पहले लूज़ करना है, हमने नट को लूज़ कर दिया है दोस्तों, ये देखो नट खुल गया हमारा। और ये जो है इसको खोलना है, इस नट को खोलना है, पहले इसे लूज़ करना है, पहले डायरेक्ट टाइट मत करना, आपको मैं बता रहा हूँ जैसे जैसे उसी तरीके से करना। आप देखो हमने इसे खोल लिया ना इस नट को, उसके बाद में इसके अंदर एक पॉइंट है, दिख रहा होगा आपको, मुझे तो दिख रहा है, शायद वीडियो में आपको ना दिखा, मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों इस पॉइंट की बात कर रहा था मैं, ये पॉइंट की वजह से मिक्सर का कपलर घूमता रहता था, तो हम इसे निकाल देते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट को हटा देते हैं, और जैसे था हमारा ये सिस्टम, देखिए पॉइंट हटाने के बाद में ये चीज़ जैसे थी, हमें उसी तरीके से इसे नट को दोबारा से लगा देना है। अब जब हम इसे जाम करेंगे तो हमारी मोटर एकदम जाम हो जाएगी, देखो इस तरीके से आप इसे दोबारा से लगा दो दोस्तों, मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। दोस्तों प्लीज़ चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको मिक्सर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल पे कमेंट ज़रूर करें, इस वीडियो पे मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। ये देखो एकदम फुल टाइट कर देना है दोस्तों, ये नहीं हल्का टाइट करो, फुल टाइट करोगे तभी आपका कपलर जाम होगा, वरना कपलर जाम नहीं होगा। तो
जितना हो सकता था हमने इसे टाइट कर दिया है। अब हम क्या काम करेंगे, देखिए हम दोबारा से मिक्सर को पैक करेंगे। ये देखो अब हमारा कपलर ये जाम हुआ, इतना ज़्यादा नहीं लेकिन ये जाम हो चुका है। अब आइए खोल के देखते हैं कपलर को। कपलर जाम हो गया, नट आसानी हो जाएगी खुलने में। दोस्तों अभी भी नहीं खुल रहा है, जाम करने के बाद भी नहीं खुल रहा है। अब आप सोचोगे क्या तरीका है, मैं एकदम लाइव दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है पहले मैंने खोल लिया फिर आपको समझा दिया काम ख़त्म। जो रियल है आप भी ऐसे फंस सकते हो जैसे मैं फंसा हूँ, इसीलिए आपको एकदम सही सही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, जितना हो सकता है बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं। देखो इस तरीके से आपको दबाना है, उसके बाद खोलना है। कपलर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब हम क्या काम करेंगे, कैसे कपलर को रोकेंगे, तो एक तरीका है कपलर को तोड़ के देखते हैं थोड़ा सा, कौन सा मॉडल का कपलर है, टूटता नहीं टूटता देखते हैं। वैसे ये लेलोन वाला कपलर है दोस्तों, अगर पीवीसी वाला होता है, जो मैं लेलोन वाली क्वालिटी आपको दिखाता नहीं हूँ कपलर की, वो लेलोन वाला कपलर है। अगर ये पीवीसी वाला कपलर होता है तो आसानी से टूट जाता है। ओरिजिनल कपलर जो आता है वो लेलोन का ही आता है। तो ये नट खुलने का नाम तो ले नहीं रहा है, तो हम क्या काम करेंगे इसके लिए, तोड़ते तोड़ना पड़ेगा, लेकिन इतनी जल्दी टूटने वाला भी नहीं है, कुल मिला के खोलना ही पड़ेगा। देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको प्लास्टर रोक के देखना है, इस तरीके से आपको रोकना है प्लास्टर, उसके बाद खोल के देखना है। ये देखो मैंने क्या कहा था, किसी न किसी तरीके से खुल जाएगा, कई जुगाड़ होते हैं रोकने के, किसी भी तरीके से आप रोक सकते हो। अब हमारा ये नट खुल चुका है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों निकल गया ना कपलर, ऐसे ही उठ गया। ये देखो बढ़िया क्वालिटी वाला कपलर है, एक नंबर ले लो इनका कपलर लगा हुआ था। आप क्वालिटी देखिए कपलर की, एकदम फर्स्ट क्लास क्वालिटी वाला कपलर था। और हमारा कपलर नट ये रहा, एक वार्सल लगा हुआ था, इसके अंदर हम इसी मॉडल का दूसरा कपलर लगाएंगे, इसमें सुटेबल होल है हमारा इस मिक्सर में। कपलर आपको मैं दिखाता हूँ और कैसे लगाना है ये बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये है पुराना कपलर और ये हमारे पास में है इसी मॉडल का लेलोन का ही न्यू कपलर, बढ़िया क्वालिटी वाला। आप क्वालिटी देख सकते हो दोनों कपलर की, ये भी काफ़ी मोटा है, ये भी काफ़ी मोटा है, मतलब बढ़िया क्वालिटी का है। ये भी लेलोन का है, कितना भी पटकोगे टूटने वाला नहीं है। और ये भी लेलोन का है, कितना भी पटकोगे तोड़ोगे टूटने वाला नहीं है। अब देखिए हमें ये जो लॉक है, ये लॉक देखिए, ये लॉक, ये जो आर्मेचर में किस साफ्ट में लॉक है, इसके अंदर ये लॉक फंसना है, तभी ये कपलर रुकेगा, वरना फ्री होता रहेगा बार बार। तो आपको उसी हिसाब से डालना है इस तरीके से। देखिए आपको दिखाने की जितना हो सकता है बेहतर कोशिश करता हूँ। ये जो लॉक है, ये वाला लॉक, इस लॉक में ये फंसना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, उसी के हिसाब से एकदम सीधा कपलर रखना है, उसके बाद में आपको इसे ठोकना है, दबाना है दोस्तों अंदर की तरफ, उसी के हिसाब से एकदम सेट करके रखना है, उसके बाद में दबाना है। पहले मत दबाना दोस्तों, हमने दबा दिया और ये लॉक में सेट हो चुका है हमारा कपलर। जितना कोशिश हो सके दबा दो कि वो लॉक तक पहुंच जाए, लॉक तक पहुंच गया है। अब इसका जो वार्सल था आपको इसके अंदर इसका वार्सल डाल देना है, जो कि हमने डाल दिया, और इसका कपलर नट लगा के इसे टाइट कर देना। अब मैं आपको एक बात और बताऊं दोस्तों, लगा तो दिया, कस्टमर से पैसे कितने लेंगे इसे चेंज करने की, ये भी बता ही देता हूँ दोस्तों आपको। इसको पहले मैं टाइट कर देता हूँ, फुल टाइट कर देना दोस्तों, लूज मत छोड़ना। तो हमारा कपलर लग चुका है। अब एक चीज़ मत भूलना, आप देखिए जो हमने पीछे से कपलर को जाम करा था, ये चीज़ देखिए, इसको आपको दोबारा से पहले जैसा करना है, मतलब जो इसमें पॉइंट लगा था उस पॉइंट को इसमें आपको दोबारा से लगाना पड़ेगा, और इस नट को उसी तरीके से सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपका कपलर जो है ये जाम रहेगा, पूरी तरीके से फ्री नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, इस नट को पहले खोल लेना है जो इसमें लगा हुआ था। पहले हम इसको खोल लेते हैं दोस्तों, ये देखो अब आपको इसके अंदर लगाना है इसका पॉइंट, जो कि था ये रहा पॉइंट इसका, इस पॉइंट को इसके अंदर लगाना है और दोबारा से इस नट को टाइट कर देना है। इतना टाइट करना है, इतना टाइट करना है कि आपकी मोटर जाम ना हो दोस्तों। ये देखो जब तक आराम, ये टाइट हो गया यहाँ पे, मतलब इतना टाइट करना है। अब इसके ऊपर जो एक नट लगा था, उस इसके ऊपर वाले नट को भी यहाँ पर टाइट कर देना है इस तरीके से। ये देखो मोटर में कितनी ज़्यादा प्ले, ये देखो
ये इतनी हिलती रहती है मोटर, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अगर बहुत ही ज़्यादा हिल रही है तो आपको यहाँ पर वार्सल डालने पड़ेंगे, यहाँ पर वार्सल डालने पड़ेंगे, लेकिन इतना हिल रहा है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कपलर नहीं कटेगा दोस्तों। तो हमारा ये कपलर लग गया, अब आपको बताते हैं इसका लगाने के हम कस्टमर से कितने रुपए लेंगे। देखिए नॉर्मल मैं आपको बताता हूँ, हम मिक्सर ग्राइंडर के कपलर को चेंज करने का कस्टमर से लेते हैं 150 रुपीज़, 150 रुपये हम कस्टमर से इसे लगाने का लेते हैं। 10-5 रुपये की कोई बात नहीं है कम ज़्यादा की, वरना 150 रुपये हम चार्ज लेते हैं दोस्तों कपलर लगाने का। आप भी इतना चार्ज ले सकते हैं। आप बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल टेक्निकल सुहेल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ ऐसी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में।